में हूं निवेदिता। मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ साथ पीएम मोदी पर निजी हमला करने से भी नहीं चूकने वाली कांग्रेस ने इस बार दशहरे पर कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल देश भर में जब दशहरा मनाया जा रहा था, हर गली चौराहे पर रावण दहन हो रहा था, तो उसी वक्त पंजाब की कांग्रेस सरकार में सड़कों पर रावण के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जा रहा था, जिस पर भड़के चिराग पासवान ने पुतला जलाने के पीछे कांग्रेस सरकार का हाथ बताया है और ट्वीट कर कहा, दशहरा के पावन अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित घटना की निंदा लोजपा करती है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया था। ये पंजाब की संस्कृति नहीं है और ना ही पंजाब के लोगों ने ये किया है। यकीनन इस घृणित कार्य के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। चिराग पासवान ने दशहरे के बाद ये मुद्दा दरअसल इसलिए उठाया क्योंकि बुधवार को चंपारण रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान बिल के विरोध का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि पंजाब में मोदी का पुतला इसलिए जलाया जा रहा है क्योंकि किसान नाराज। नरेंद्र मोदी जी का, अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है क्यों? कारण क्या है? आज हिंदुस्तान का किसान, पंजाब का किसान नरेंद्र मोदी जी का पुतला क्यों जला रहा है? बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और दुख की बात है कि दशहरे पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। खुशी की बात नहीं, दुख की बात। कारण क्या है? कारण यह है कि जो नीतीश जी ने बिहार के साथ 2006 में किया, वो आज नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। राहुल गांधी के इसी बयान पर चिराग पासवान को तो गुस्सा आ गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के बयानों की निंदा तक नहीं की और ना ही कांग्रेस पर पलटवार किया, जिस पर भड़के चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा, बिहार की धरती पर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के संबंध में पंजाब में हुई निंदनीय घटना का उल्लेख किया और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश हैं, प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करने को बेताब रहते हैं मगर राहुल गांधी के इस घृणित बयान पर अपना मुंह नहीं खोलते हैं। कांग्रेस राज में जिस तरह से पीएम मोदी का पुतला जलाया गया, उसकी वजह से सोशल मीडिया पर कांग्रेस को लोग जमकर लताड़ रहे हैं। सुशील सिन्हा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच रखने वालों के लिए, खुद प्रधानमंत्री जी का भी दिल कितना दुखता होगा ऐसे लोगों को देखकर। कांग्रेस का असली रूप पूरा देश देख चुका है, बस अब ऐसी ही हरकत एवं गंदी राजनीति के लिए रह गई है। कुल मिलाकर बहुत ही निंदनीय घटना। पूजा श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा, हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और इसका मतलब ये तो नहीं कि पीएम जैसी गरिमामय पद पर बैठे इंसान को कोई कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। आप तो सांसद हो, आप लोगों को इसके खिलाफ भी कानून लाना चाहिए ताकि ऐसा दुस्साहस करने से पहले लोग हजार बार सोचें। सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होगा। बता दें कि रविवार को पंजाब में कुछ लोगों ने रावण के पुतले में पीएम मोदी का मुखौटा लगाकर इस पुतले को जलाया था। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भड़कते हुए कहा कि पंजाब में पीएम मोदी का पुतला जलाने का शर्मनाक ड्रामा राहुल गांधी के द्वारा निर्देशित है, लेकिन उन्हें ऐसी ही उम्मीद थी। जेपी नड्डा ने यहाँ तक कहा कि नेहरू गांधी खानदान ने कभी भी प्रधानमंत्री पद का आदर नहीं किया है। 2004 से 2014 के बीच भी ऐसा ही देखने को मिला था, जब यूपीए के शासनकाल में पीएम पद को संस्थागत तरीके से कमजोर किया गया था। किसान बिल का कांग्रेस कर रही विरोध। मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों से जुड़े 3 अहम बिल संसद में पास करवाए हैं। कांग्रेस इसका जमकर विरोध कर रही है। खुद राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। कांग्रेस शासित पंजाब में राहुल गांधी जहां सोफे वाले ट्रैक्टर पर घूमकर किसान बिल का विरोध कर रहे थे, तो वहीं हरियाणा में भी इस बिल के विरोध में हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वैसे बता दें, जिस किसान बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है, उसी बिल को पीएम मोदी ऐतिहासिक कदम बता चुके हैं। आप भी सुनिए किसान बिल पर पीएम मोदी का ये भाषण। बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है,
कृषि सुधार से जुड़ा दूसरा कानून इसी से प्रेरित है। आज हमारे यहां 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है, किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 हेक्टर, किसी के पास 2 हेक्टर, सब छोटे किसान हैं, छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता है। इस वजह से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही कीमत भी नहीं मिलती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है। बाहर से आए खरीदार इन संगठनों से बकायदा समझौता करके सीधे उनकी उपज खरीद सकते हैं। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। साथियों, इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। मुझे बताया गया है कि यहां बिहार में हाल ही में 5 कृषि उत्पादक संघों ने मिलकर चावल बेचने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 4000 टन धान वो कंपनी बिहार के इन एफपीओ से खरीदेगी। अब इन एफपीओ से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा, उनकी उपज अब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगी। साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा, ग्रामीण उद्योगों की ओर देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई नौजवान एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो चिप्स की फैक्ट्री ही खोलना चाहता है। अभी तक ज्यादातर जगह होता यह था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरीदने होते थे, फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था। लेकिन अब वो नौजवान जो नए नए सपने लेकर के आया है वो सीधे गांव के किसान के पास जाकर उससे आलू के लिए समझौता कर सकेगा। वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए, इतना आलू चाहिए। वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तकनीकी सहायता भी करेगा। साथियों, इस तरह के समझौतों का एक और पहलू है। आपने देखा होगा कि जहां डेयरी होती है वहां आसपास के पशुपालकों को दूध बेचने में आसानी तो होती है। डेयरियां भी पशुपालकों का, उनके पशुओं का ध्यान रखती हैं। पशुओं का सही समय पर टीकाकरण हो, उनके लिए सही तरह के शेड बने, पशुओं को अच्छा आहार मिले, पशु बीमार हो जाए तो उनका डॉक्टर पहुंच जाए। और मैं तो गुजरात में रहा हूं, मैंने देखा है डेयरी कैसे पशुओं को संभालती है। बड़ी डेयरी दूध उत्पादक उन तक जाकर के किसानों की मदद करती है
और इन सब के बाद भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जो दूध खरीदने का काम है वो तो डेयरी कर लेती है, लेकिन पशु का मालिक तो पशुपालक या किसान ही रहता है, पशु का मालिक कोई और नहीं बनता है। वैसे ही जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। ऐसे ही बदलाव अब खेती में भी होने का मार्ग खुल गया है। साथियों, ये भी जग जाहिर रहा है कि कृषि व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कुछ प्रावधान हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई है। अब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा।